हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश्वर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड क्लासेस चल रहे हैं, क्वेश्चन का सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, और ये लेक्चर 4 है। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक हम डाउट क्वेश्चन लेते हैं। तो डाउट क्वेश्चन में मैं लेता हूँ आपका 3.3 एक्सरसाइज का। ओके, सो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके पास लिखा है, कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई और माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू प्रूफ करके लेके आना है साइन एक्स प्लस वाई। क्या हमें ये प्रूफ करना है ना? अब ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल सेम है, हाँ है ना? फॉर्मूला मेरे पास होता है, अगर मैं इसको देखूं, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस इंटू कॉस बी, ओके, और माइनस में साइन ए इंटू साइन बी, माइनस ऑफ साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ये ए के जैसा है, ये बी के जैसा है, और ये ए है और ये क्या है, बी है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बेटा क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? यस और नो? ओके, तो दोस्तों ये फॉर्मूला लगाएंगे हम कॉस ए प्लस बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, कॉस ए की जगह कौन बैठा हुआ है? पाई बाई 4 माइनस एक्स, प्लस बी की जगह कौन है? पाई बाई 4 माइनस कितना? वाई। तो कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 बोलो कितना हो गया? पाई बाई 2 हो गया। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 हो गया पाई बाई 2, और माइनस कॉमन लेके कितना हो गया? x प्लस वाई। हुआ कि नहीं हुआ? अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। 90 पाई बाई 2 मतलब 90, और माइनस कितना? थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा क्या है? x प्लस वाई। तो आंसर क्या हो गया? साइन x प्लस वाई। क्या यही प्रूफ करना था? बिल्कुल हाँ, यही प्रूफ करना था, जो कि आ चुका है। तो नोट करिए इसका आंसर का सोल्यूशन, ये रहा आपका सोल्यूशन। ओके, चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन में आपके सामने है। ये क्वेश्चन है एनडीए लेवल का। ओके, यूं कहिए जेई मेंस लेवल तक का एक क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को लोड कर लीजिए। क्या कह रहा है? कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 प्लस 5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5 बाई 13 वेयर अल्फा इज लाई बिटवीन 0 टू पाई बाई 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना? आपको फाइंड वैल्यू करनी किसकी? टेन अल्फा की। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आइए देखिए, देखो बच्चों लिख लिया क्वेश्चन। ओके, देखिए आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया और साइन अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और आपको फाइंड करनी है वैल्यू टेन टू अल्फा की, टेन टू अल्फा। तो सबसे पहले आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा को यूज करके साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। कॉस अल्फा प्लस बीटा को यूज करके क्या निकाल लो? साइन अल्फा प्लस बीटा। अब आप कहोगे हम कैसे निकालेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा? तो बेटा आपके पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास क्या चाहिए? साइन का एंगल चाहिए है और कॉस का दिया है, तो ये फॉर्मूला लगा दो तो आपके पास आ जाएगा। तो एंगल का नाम फिलहाल क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो मैं कहूँगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस कितना है? 4/5। तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 16/25। 25 इधर गया बचा 9, आंसर आ गया कितना बेटा? 3/5, क्योंकि ऊपर आएगा 9 का रूट 3 और 5 और 7 में प्लस और माइनस लगाओ, क्योंकि रूट हटता है तो प्लस और क्या आता है? माइनस। तो ये आ गया बेटा आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो ये आ गया, कॉस भी आ गया, साइन भी आ गया, ठीक है ना? अब ये आपके पास में क्या? साइन अल्फा माइनस बीटा है। अब आपको बनाना पड़ेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्या बनाना पड़ेगा? तो आपको पता है कि साइन से कॉस चाहिए, तो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा
इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो 5 बाई 13 का होल स्क्वायर 25 अपॉन 169 सॉल्व करने पर कितना आ गया 12 बाई 13 प्लस माइनस. बोलिए ठीक है ओके यस. तो ये आपके पास आ गया 12 बाई 13 ठीक है ना. अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 बाई 5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5 बाई 13. इससे आपने साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल लिया. अब आप कहोगे कि सर हमारे पास जो है दोनों वैल्यूज जो है एक प्लस में आ रही है एक माइनस में आ रही है और ये भी प्लस में है. कॉस अल्फा माइनस बीटा जो प्लस में था हमने प्लस और माइनस में निकाला था है ना. तो हमने दोनों का पॉजिटिव वैल्यू ले लिया है. क्या ले लिया दोनों का पॉजिटिव वैल्यू. अच्छा क्यों ले लिया पॉजिटिव वैल्यू अभी इसको समझ में आ जाएगा आपको. अब आपको निकालना है टेन अल्फा प्लस बीटा. टेन अल्फा प्लस बीटा तो टेन अल्फा प्लस बीटा होता है कितना साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है. तो साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा कर दिया तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 3/5 और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दी गई थी क्वेश्चन में ये देखो 4/5 तो 3/5 / 4/5 कितना आ गया 3/4 कितना आ गया 3/4 एनी प्रॉब्लम. तो यहाँ पर आ गई 3/4 वैल्यू आपकी. अभी आपके पास क्या आ चुका है 10 अल्फा प्लस बीटा. अब आप निकाल लो 10 अल्फा माइनस बीटा. क्या निकाल लो 10 अल्फा माइनस बीटा. कैसे निकलेगा 10 अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा. तो साइन अल्फा माइनस बीटा मेरे ख्याल से आप लोगों ने निकाला है या दिया था. ये देखो दिया था कितना था 5/13 और कॉस अल्फा माइनस बीटा ये देखो निकाला है कितना 12/13. तो साइन अल्फा बीटा है 5/13 कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना 12/13 एनी प्रॉब्लम. ये आपके पास आ गया. तो अब इसके बाद यस ये देखिए तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 5/12 आ गया. दोनों को डिवाइड कर दिया. अब आपको चाहिए 10 टू अल्फा. ये देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है 10 टू अल्फा. बेटा क्या आप 10 टू अल्फा को 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा नहीं लिख सकते हो. बेशक लिख सकते हो क्योंकि बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा. बोलो हाँ. अब इसके बाद इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा इसको सेपरेट कर लो इसको सेपरेट कर लो. मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया 10x प्लस वाई का इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y होता है कि नहीं होता. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो 10a यानी कि 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10b 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस सॉरी माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा. लग गया फॉर्मूला. तो देखो ये लग गया फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b. अब आपको ये भी पता है ये भी पता है ये भी पता है और ये भी पता है. सब कुछ पता है बस वैल्यू रखते जाओ आंसर आ जाएगा 56/33. चलिए तो जल्दी से करिए इसको अपनी अपनी कॉपी में देर मत लगाइए स्टार्ट कीजिए. चलिए बच्चों देखिए ये क्वेश्चन तो किया अपन ने. अब एक सवाल उठता है कि सर जब आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 12/13 थी तो आपने इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही क्यों लिए नेगेटिव वैल्यू पर दावा क्यों नहीं ठोका आपने. तो इसका एक लॉजिक सुनो बेटा कि हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्यों दी है. इसका कारण छुपा हुआ है ऊपर इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्वेश्चन में. आप देखो आपसे कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू 0 से लेके π/4 पे है ना. अल्फा कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके π/4 और इतना होने के बाद बीटा अल्फा प्लस बीटा में आपके पास आ रहा है क्या पॉजिटिव. क्या रहा है मतलब कॉस क्या रहा है पॉजिटिव आ रहा है कॉस क्या रहा है. देखो मजे की बात अगर कॉस पॉजिटिव है तो या तो मतलब अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आ रहा है मतलब कॉस में पॉजिटिव आ रहा है मतलब या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो ये किस में होगा फोर्थ में. हुआ ना बात. या तो फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा. अब देखो अगर फर्स्ट में होगा तो ऑलरेडी आपका अल्फा 0 से लेके π/4 के बीच में है. तो फर्स्ट में एंगल कितना होना चाहिए टोटल एंगल 0 से लेके π/2 0 से लेके π/2. तो बीटा को मजबूरन क्या होना पड़ेगा इसके अंदर ही तो होना पड़ेगा 45 से कम तभी तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा. यस और नो. इसका मतलब हमका सारा जो काम हो रहा है कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. किस में हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. एक बार फिर से बात समझाऊंगा. अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है 4/5 यानी पॉजिटिव यानी कि कॉस थीटा पॉजिटिव है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो अगर अल्फा आपका 0 से लेके π/4 के बीच में है अल्फा आपका किसके हैं 0 से लेके π/4
फोर के बीच में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका जीरो से लेके पाई बाई टू जा रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में है, मैक्सिमम पाई बाई टू के बीच में है। तो जब ये पाई बाई फोर है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, पाई बाई फोर, क्योंकि 45 प्लस 45 इक्वल टू कितना 90। तो इसका मतलब ये भी एक्यूट एंगल ही होगा, यानी कि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा। बोलो क्लियर आया समझ में? ओके ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि 10x इक्वल टू बी अपॉन ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, पहले देख लीजिए आराम से। देखिए ये जो 10x की वैल्यू दी गई आपको बी अपॉन ए, मतलब पूरे क्वेश्चन में बी अपॉन ए बना करके वहाँ पर आपको क्या फिट करना है, 10x, क्या फिट करना है 10x, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो है ए और बी के टर्म्स में है, और बी अपॉन ए आपको क्या दिया हुआ है, 10x दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो आपके पास क्या है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, आपने इसको सॉल्व किया क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किया अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी के साथ अंडर रूट ए माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर फोल्ड इसको खोल दिया, ऊपर बन गया 2a और नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए सॉ नो। अब ये वाली टर्म थोड़ी सी मज़ेदार है, यहाँ पर क्या करना है आपको, नीचे से a कॉमन लेना है, क्या लेना है a कॉमन, तो a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, क्योंकि ए स्क्वायर अंदर से आएगा तो बाहर a आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर यह हो जाएगा b अपॉन a का होल स्क्वायर, इस a से ये a क्या हो गया कैंसिल। और भैया b अपॉन a, जब आपके पास a अपॉन बी 10x है तो b अपॉन ए कितना होगा, 1 अपॉन 10x है ना, एक मिनट, b अपॉन ए 10x है, सॉरी बेटा b अपॉन ए क्या है, b अपॉन ए 10x, तो डोंट वरी 1 अपॉन 10x करने की जरूरत नहीं है, तो b अपॉन ए की जगह क्या रख देना बेटा आपको 10x, तो 10 स्क्वायर x हो गया कि नहीं हुआ, और 10 स्क्वायर x को लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर एक्स की जगह अपन ने रख दिया कितना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यस और नो? तो देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बोले तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या लगा है, रूट लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स 1 जा कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ या ना, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया कितना कॉस एक्स, तो ये कितना हो गया 2 कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट, ये क्या फॉर्मूला था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता था कॉस 2x, बन गया ना। चलिए तो उसको जल्दी सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी में। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, और ये क्वेश्चन जो है ये NDA कैटेगरी का क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में ही क्वेश्चन आता है, ईजी रहते हैं, थोड़े से ट्रिकी रहते हैं। ओके जो, तो ये क्वेश्चन करिए आप लोग। ओके चलिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मैं कहूँगा कि अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं ऐसे CBSE एग्जाम में जरूर दूंगा ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चों से बनता भी होगा फिर भी बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, और टीचर को कहने को होगा मैंने तो तुम्हें पढ़ाया था और तुम करके नहीं आए तो तुम्हारी गलती, तो ऐसे क्वेश्चन को टीचर को जरूर देना चाहिए। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रूव दैट cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू sin 7 थीटा इंटू sin 8 थीटा। इस फॉर्मूले को देख करके मेरे मन में सबसे पहले आ रहा है कि सर सिंपल है ना, फॉर्मूला लगाओ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, हाँ या ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बट ध्यान से देखो भाई, ए ये है बी ये है, बट ये ए और बी नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला नहीं लग सकता है, कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये ले लिया मैंने LHS, मैंने 2 का डिवाइड किया और 2 का क्या किया मल्टीप्लाई, तो ये देखिए इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 का मल्टीप्लाई होने से ये एक पार्ट बन गया, 2 का मल्टीप्लाई होने से दूसरा पार्ट बन गया। अब मैंने कल आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या था, 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, और फिर से यहाँ पर लगेगा 2 cos a cos b का, यानी cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस भी। अगर आप डर रहे हैं, सोच रहे हैं सर माइनस क्यों हो गया, क्योंकि बेटा यहाँ पे बीच में माइनस लगा है, तो उस माइनस ने किया हमला और सबको कर दिया माइनस, क्लियर हो गया। इसके बाद ये तोड़ दो, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये देखो 3θ/2 से 3θ/2 क्या हो गए कैंसिल हो गए ना, और क्या होगा, हाँ, और बच क्या गया, कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस 15θ/2। बोलिए यस और नो। अब देखिए जो आपके पास आंसर आ रहा है साइन में है, यस और नो, तो फॉर्मूला लगा दीजिए,
क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, ओके, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, ये होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का। आपने जैसा याद किया आप वैसा लगाओ, आपका आंसर बिल्कुल यही आने वाला है। तो चलिए शुरू हो जाइए बच्चे लोगों, जल्दी से कॉपी पेन उठाइए, शुरू हो जाइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये है NTSC लेवल का क्वेश्चन, यानी कि क्लास टेंथ का क्वेश्चन, और ये NDA में भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं इसमें बस आपकी हेल्प इतनी करूँगा, ये M दिया है, ये N दिया है, और राइट साइड में देखिए M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर है, मतलब इसका क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है, बहुत ही सिंपल है, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, इसको आप लोग खुद करिए। चलिए जल्दी से निकालिए पेन कॉपी, शुरू हो जाइए। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करना है, दोनों एक्सप्रेशन आपके सामने दिए हैं, ये वाली इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, देखते हैं कितनी बढ़िया आपकी अलजेब्रा, शुरू हो जाओ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ओके, लेवल NDA का, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन का क्या कह रहा है, 10:22 डिग्री 30 मिनट, भाई साहब 10:22 डिग्री 30 मिनट, ये क्वेश्चन जो है पूरा चकमा दे रहा आपको, पूरा चकमा दे रहा, बच्चे घूम जाएंगे, अगर मैं सोल्यूशन छिपा लूँ तो बच्चे घूम जाएंगे, अरे है क्या, बट ध्यान से देखो भाई साहब, ये है 10:22 डिग्री और 30 मिनट, यानी यार 1/2 डिग्री होता है, हाँ या ना, 30 मिनट मतलब कितना, 1/2 डिग्री, बोले तो 22 गुणे 2 44 1 45, मतलब 10 का 45/2, मतलब 45 डिग्री का आधा, 45 डिग्री का आधा, ओके। तो करने के लिए इसका क्या काम करो, आप थीटा को ले लो कितना, 45 डिग्री, थीटा को ले लो कितना, 45 डिग्री, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए थीटा बाई टू चाहिए, आपको क्या चाहिए, थीटा बाई टू, तो आपको चाहिए यहाँ पर कुल मिला के 10 थीटा बाई टू, क्या चाहिए, 10 थीटा बाई टू चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि थीटा अगर 45 है तो 45/2 यानी वो जो पूछ रहा है ये हो जाएगा, तो 10 थीटा बाई टू आपको बनाना है, आप जानते हैं 10 थीटा बाई टू मतलब साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, अब एक काम करो आप यहाँ पे कॉस थीटा बाई टू का ऊपर मल्टीप्लाई और कॉस थीटा बाई टू का नीचे मल्टीप्लाई, तो करना क्या है, सबसे पहले आप 2 का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 2 का ऊपर और 2 का नीचे, चलिए अब इसके बाद कॉस थीटा बाई टू का ऊपर और कॉस थीटा बाई टू का नीचे, तो देखो कॉस थीटा बाई टू का ऊपर कर दिया तो आपके पास स्ट्रक्चर बन गई 2 sin θ/2 कॉस थीटा बाई टू, और कल मैंने पढ़ाया था आपको कि 2 sin θ/2 कॉस थीटा बाई टू क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, याद आया, साइन का डबल एंगल सिंगल में टूटता है, सिंगल हाफ में टूटता है, याद आया, और 2 cos²θ/2 याद होगा आपको, 1 + cos θ = होता है 2 cos²θ/2, कल मैंने पढ़ाई थी ये बात कि 1 + cos θ = 2 cos²θ/2, यदि आप भूल गए तो एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, 1 + cos²θ = 2 cos²θ, 1 + cos²θ = 2 cos²θ, मतलब डबल एंगल सिंगल में टूटता है, तो सिंगल किस में टूटेगा, हाफ में, सिंगल किस में टूटेगा, हाफ में, तो यहाँ पर देखिए 2 cos²θ/2 कितना हो जाएगा, 1 + cos θ, क्या हो जाएगा, 1 + cos θ, अब सारा काम इसको कितना, थीटा आपका कितना, 45, कितना है 45, ये आपका 10θ/2 है, ये आपके 45 रख दो, यहाँ भी 45 रख दो, तो साइन 45 1/√2 और 1 + 1/√2 सॉल्व कर दीजिए, आंसर आया कितना, 1/√2 + 1, क्लियर हो गया। तो आपसे कोई पूछे 22.5 डिग्री कितना होता है 10 का, तो 10 का 22.5 डिग्री होता है 1/√2 + 1, क्लियर है, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 45 का आधा, 45 का हाफ, चलिए तो उसको जल्दी से बनाइए कॉपी में। चलिए देखिए तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, तो मैं कहूँगा कि CBSE एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही परफेक्ट है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, sin 4a, प्रूव दैट sin 4a = इतना सारा का सारा, तो देखो भाई sin 4a को सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, तो sin 4a को आप डबल एंगल से तोड़ दो, डबल एंगल फार्मूला आप जानते हो, sin 2a का क्या होता है, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a × cos a, ये लिखा हुआ है, ये देखो sin 2a = 2 sin a × cos a, मतलब जब दो एंगल देते हो तो सिंगल एंगल में टूटता है, तो जब इसको 4 एंगल दोगे तो किस में टूटेगा, 2a में, तो यहाँ पर आपने sin 4a देख लिया, तो sin 4a = 2 sin ½ एंगल कितना हुआ, 2a × cos 2a, यस और नो, आप 2 बाहर रखो, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, और cos 2a का फॉर्मूला cos² - sin² है, चलो 4 डालो इसको, तो 2 sin a cos a का एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो cos³ हो गया, और sin a का मल्टीप्लाई sin² के साथ, तो कितना हो गया sin³, और ये आ गया LHS = RHS, चलो जल्दी से कर डालो इसको क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, डन करो। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगेन मैं कहूँगा कि ये CBSE लेवल का क्वेश्चन है,
देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कह रहा है tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन, कह रहा प्रूफ करोगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। भाई चकमा देने की कोशिश मत करो, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर करने लगेंगे, बिल्कुल नहीं करना बेटा। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को आप सॉल्व करना बेटा एम प्लस एन मल्टीप्लाई बाई एम माइनस एन से, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप एम प्लस एन निकाल लो और उसके बाद क्या करो m माइनस एन, तो एक बार m और n इसको और इसको ऐड कर दो और एक बार इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और जो आए दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर प्रूफ दैट में बन जाएगा। चलो जल्दी से प्यारे बच्चों शुरू हो जाओ कॉपी पेन निकाल के। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, जैसे इसके पहले हमने एक टेन टू ए वाला क्वेश्चन किया था, तो क्या कह रहा है टेन ए प्लस बी इक्वल टू पी है और टेन ए माइनस बी इक्वल टू क्यू है, तो शो करना है टेन टू ए इक्वल टू इतना होगा। बच्चों ध्यान से देखो, क्या tan 2a को आप tan ऑफ a प्लस बी प्लस ए माइनस बी नहीं लिख सकते हो? बेशक लिख सकते हो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, क्योंकि b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपको करना क्या, क्योंकि tan a प्लस बी आपको पता है p है और tan a माइनस बी आपको क्या q है, तो इसमें a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म्स में फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर जल्दी से बन जाएगा। चलो जल्दी सॉल्व करो। ओके बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार NDA एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो CBSE के साथ साथ ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, JEE में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलो नोट करो। ओके बच्चों तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू जीरो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू जीरो देन प्रूव दैट कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ टू टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक डिफरेंट वे है, आप इसको कैसे करते हो समझो। देखिए आपको क्या दिया है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो एंड साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू जीरो एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू जीरो, और आपको कह रहा है कि ये चीज़ आपको प्रूफ करके लेके आना है। तो ध्यान से देखो, ये चीज़ आपको दोनों जीरो के इक्वल है, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा कितना हुआ जीरो और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कितना हुआ जीरो, तो आप क्या करो दोनों का स्क्वायर, जब ये जीरो है तो इनका स्क्वायर भी कितना होगा जीरो, तो दोनों के स्क्वायर को माइनस कर दो, दोनों के स्क्वायर को क्या कर दो माइनस, तो दोनों के स्क्वायर को माइनस करोगे तो भी कितना आएगा जीरो आएगा। अब इसको ओपन कर दो तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और टू कॉस अल्फा साइन कॉस बीटा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू कितना राइट साइड में जीरो। अब ये देखो इसको सेपरेट कर लो कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या बन जाएगी जोड़ी, ये बन जाएगी कॉस टू अल्फा की, और कॉस स्क्वायर बीटा के साथ साइन स्क्वायर बीटा की ये क्या जोड़ी बन जाएगी, ये बन जाएगी कॉस टू बीटा की, और बाकी पार्टी को इधर जान दो, तो बाकी पार्टी को इधर जाओगे तो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो 2 चला गया, देखिए ये प्लस में हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, मतलब कॉस वाली पार्टी नेगेटिव और साइन वाली पार्टी पॉजिटिव। ओके तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, ये देखिए यहाँ से यदि आप माइनस कॉमन ले लेंगे, यदि आप ये चीज़ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 माइनस का, और ये देखिए माइनस यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, और ये फार्मूला किसका होता है, ये होता है माइनस टू बाहर लगाओ, ये होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो फाइनली ये आपका प्रूव हो चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है, तो चलिए इसको जल्दी से बना डालिए सॉल्व कर लीजिए। ओके तो बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना, इन क्वेश्चन को देख करके क्या समझ में आ रहा है, कहाँ से उठाना है कहाँ बिठाना है, क्वेश्चन का कुछ पता नहीं चल रहा, तो मैं बताऊँगा दुर्घटना से बचने के लिए ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में दे दिया करो, अपनी बुक में कॉपी में लिख लो RBE कैटेगरी के क्वेश्चन, मतलब रीड बिफोर एग्जाम, आपको इनको घर से पढ़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में भी इनकी अप्रोच आपको नहीं आएगी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व हो रहा है ना। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा जीरो साइन अल्फा साइन बीटा जीरो, दोनों का स्क्वायर करके क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, क्वेश्चन को देख के नहीं लग रहा कि हमें ये करना पड़ेगा, बट करना पड़ रहा है। प्लस करते तो ये बनता ही नहीं ना, अगर प्लस करते तो आपका ये बनता ही नहीं, फिर माइनस ही नहीं होता, और माइनस नहीं होता तो कॉस टू अल्फा बनता क्या, अगर प्लस करते तो सब कुछ वन हो जाता, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बोलो कितना हो जाता वन, तो इसलिए भैया प्लस नहीं करना, इसलिए क्या करना है माइनस। तो यही अप्रोच आती कि यहाँ पे माइनस क्यों करना है, माइनस इसलिए करना है क्योंकि टू अल्फा बनाना है, आया ना समझ में, माइनस करना है क्योंकि टू अल्फा बनाना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन, इसके पहले मैं बता चुका हूँ इसके बारे में आपको, कंपोडेंडो डिविडेंडो। ओके JEE के लेवल का क्वेश्चन है ये कंपोडेंडो डिविडेंडो, और मैं कहूँगा CBSE में ये क्वेश्चन आना चाहिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करें, ये उस क्वेश्चन को है, तो करिए कंपोडेंडो डिविडेंडो वाला क्वेश्चन, आपको पहले मैंने बता दिया है कि कंपोडेंडो डिविडेंडो कैसे लगता है, स्टार्ट कीजिए। क्या करना है, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और लेके फॉर्मेट को लेके आना है टेन एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू ए अपॉन
बी। तो इसमें आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाइए तो देखिए क्या होगा, नीचे वाली चीज़ को ऊपर ऐड कर दो, नीचे वाली चीज़ को नीचे माइनस कर दो। इधर भी सेम काम किया, यहाँ पे फिर फार्मूला लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी का लग गया, नीचे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लग गया। और इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पे साइन एक्स है, कॉस वाई है, कॉस एक्स है, साइन वाई है, तो ऊपर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बोलो जी कितना बन गया, टेन एक्स हो गया। और नीचे कॉस वाई अपॉन साइन वाई, जिसको मैं बोल सकता हूँ कॉट वाई, तो टेन एक्स इंटू कॉट वाई इक्वल टू यहाँ बन रहा है ए अपॉन बी, तो कॉट वाई को मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स अपॉन टेन वाई इक्वल टू ए अपॉन बी। तो बच्चा पार्टी जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, खतरनाक क्वेश्चन है इसलिए आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। स्टार्ट करो भाई पेन कॉपी में।